आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों ड्रेसअप हो रखी हूँ। दिल्ली में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, क्यों नहीं बोलेगा जा, तू मेरे व्लॉग में कैसे नहीं बोलेगा? बहुत तेरे जल्दी से 100K हो जाए, खुद क्रिंज लगने लग जाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मृणालिनी एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे ये इतने दिनों बाद बोल के इतना अच्छा लग रहा है अपना इंट्रोडक्शन। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों ड्रेसअप हो रखी हूँ, तो द रीज़न इज फॉर नो रीज़न। अरे कहना क्या चाहते हो? एक्चुअली मेरा ऐसे ही मन करा आज कि मैं वीडियो बनाऊँ। काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो रही थी कि पढ़ाई का माहौल हो रहा है घर में, तो बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। और क्या ही बनाती, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बाहर जाना मतलब आप पूरा एक दिन प्लान करो ताकि आप टाइम निकाल के फिर जाओ, और फिर इतनी गर्मी हो रही है कि कहीं बाहर जाने के लिए सोचना पड़ता है 10 बार। सामान लेने जाने में भी मैं फुल कवर वावर होके जाती हूँ कहीं टैनिंग ना हो जाए, तो इसीलिए बाहर जाना तो इतना हैक्टिक हो चुका है। तो बाहर नहीं जाते, वीडियोज़ नहीं बन पाती, इसीलिए ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और अभी भी मुझे नहीं पता कि कंटिन्यू कितने दिन में होंगे। ऐसे ही मन करा साड़ी पहनने का, तो मैंने पहन ली क्योंकि मेरे पास ये रखी थी। और बस ऐसे ही, अब आप सोच रहे होगे कि कितनी पागल सी है ना कि बिना किसी ओकेजन के, बिना किसी रीज़न के साड़ी पहन के कौन बैठता है यार घर में, है ना। मम्मी हमारी जब हम छोटे थे तब घर में साड़ीज़ पहनती थी ना, आज भी बहुत सारे लोगों की मम्मी जो है साड़ीज़ पहनते हैं, ठीक है, घर में वो पहन सकते हैं तो हम नहीं पहन सकते नहीं। क्या हुआ, हम अनमैरिड है तो क्या हुआ, साड़ी पहनने का तो मन करता है ना यार। देखो, और ब्लैक तो फिर यू नो, ब्लैक तो मेरा फॉर एवर फेवरेट है, और मेरे पास ऑलरेडी साड़ी पड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं पहन के आज थोड़ी वीडियोस बना लूँ। और ये महाशय नहा के आ गया, आज नहा के आ गया। मैं आज तैयार हुई हूँ इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया है। तो ब्लॉग क्या बनाऊँ मैं बताऊँ, तो गाइस देख सकते हो आप, इसको हम पूरा नहीं दिखाते, बेचारा जिम नहीं जा पा रहा, मेहनत कर रहा है बट जिम नहीं जा पा रहा, मेहनत कहीं और चल रही है फिलहाल। बस इतना अभी तक, आप सोच सकते हैं मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया वीडियोस बनाने के चक्कर में, तो अभी मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ बाहर खाने जाऊंगी। इसी अवतार में जाने का मन है मेरा, क्योंकि चेंज करके क्या ही फायदा, अब तैयार हो रखी हूँ। तो मैं मम्मी से पूछती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। मम्मी कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ। पानी की आवाज़ आ रही होगी यहाँ पे अंदर, चलो पानी आ रहा है, पानी। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही है, ढंग से बांध दिया ना, इसके नीचे मैंने पेटीकोट थोड़ी पहना है। तेरे हिसाब से थोड़ी बड़ी साड़ी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ही है। जाएगी आज घर की डबल। मैंने डबल डबल करके लपेट रखी है, डबल सफाई है। प्रूफ है कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है अच्छे से। वन बोल राइस में ऑलरेडी खा चुकी हूँ, बट और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। छोले चावल बने, छोले चावल किसको पसंद नहीं होते। मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं डाल रही थी, बट आज मैंने थोड़ा सा उठ के जल्दी मैं सोचा कि एक दो वीडियोस बना लेती हूँ। और अगर वो वीडियोस आपको देखनी है तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना मुझे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये रही। और व्लॉग्स का मुझे पता नहीं अभी डेली आएंगे या नहीं आएंगे, बट आज वाला व्लॉग अगर अच्छे से चला तो मैं डेली व्लॉग करूँगी, वरना मैं डेली व्लॉग नहीं कर सकती क्योंकि इतना कॉन्टेंट नहीं होता मेरे पास। मैं हफ्ते में 2 या 3 बार ही वीडियो डाल पाऊँगी, जब जिम जाऊँगी या फिर कुछ एक्टिविटी करूँगी तब। तो इसलिए अगर इस व्लॉग पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, वैसे तो व्यूज़ के लिए नहीं है सब कुछ, बट व्यूज़ के लिए है। है ना। कौन यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए नहीं होता, बता। सब है ना, पैसे तो अभी नहीं बन रहे हमारे, तो उस चीज़ को छोड़ो, रहने दो। जो काफ़ी मैसेजेस आए संजू की वीडियोज़ पे भी नीचे कॉमेंट्स थे कि आप कब डालोगे व्लॉग, कब डालोगे। पता नहीं यार, अब ये वाला डालूंगी तो डाल दिया। लो डाल दिया। अब इस वीडियो को प्यार देना बहुत ज्यादा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत बोलना। सो गाइस, गेस मेरा ही वही। या यू नो दिस। हाय गाइस, कहाँ जा रहे हो मामा? ऐसी बन के कहाँ जाऊंगी बता, दुपट्टा लहरा दो एक बार। किस दिन मॉमी रोचना देखी तूने ऑलरेडी? है कुछ नहीं। कौन सी मूवी? अरे मूवी नहीं, मस्त लग रही, एकदम सेक्सी। मैं एक्चुअली अपने हील्स भी लेके आई हूँ, अगर तू मेरी वीडियोस बनाएगा तो मैं हील्स पहन लूंगी। शर्म नहीं आ रही तुझे? यार कंफर्ट ओवर फैशन, ठीक है। नाइस साड़ी।
घर में लाइट गई है और कार में एसी चल रहा है। डबल फायदे हो जाते ना तेरे तो। बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है और इस व्लॉग में ये भी इंक्लूडेड है तो अब तो बहुत व्यूज आ जाएंगे है ना। गाइस लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। इसके को भी कर देना यार, ये बेचारी बहुत मेहनत करती है। मेहनत तो करूंगी, 5-10 रुपए इसको भी मिल जाएंगे फिर अपने लिए पेडिग्री लाएगा म्याऊ बिल्ली पेडिग्री खाती है तो बड़ा हो गया लेकिन अब क्या बड़ा वाव वाव कर ऐसे सारी क्लिप्स अपने फोन में कैप्चर कर लेता है और आधे व्लॉग आपको इसके चैनल पे दिख जाते होंगे। मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेगा? तू मेरे व्लॉग में कैसे नहीं बोलेगा? ज्यादा फेमस होगी तो मैं फेमस हूँ फिर तू मुझसे बात नहीं करेगी तो पहले तो कार चला ले यार, ये टेस्ला है ऐसा किसने बोला कि मैं तेरे से बात नहीं करूंगी? हम चाहते हैं दोनों के चैनल्स ग्रो हो, तेरे जल्दी से 100K हो जाए, मेरे 5000 10000 15-20 ऐसे होते रहे, बढ़ते रहे, कुछ करेंगे तभी तो होगा। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं चिली पराठा खाने क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा है ढंग से, तो अभी मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है और बाहर अगर मैं सनसेट तक मुझे वीडियो बनानी है तो मुझे कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, इसलिए अभी फिलहाल कुछ खाती हूँ। खाते हैं सो गाइस जब एडिट करती हूँ ना तो पता है बहुत सारी क्लिप्स में ना ऐसे सो गाइस आते रहते हैं, मैं सब हटा देती हूँ मुझे खुद क्रिंज लगने लग जाता है कि सो गाइस बहुत हो गया। तो दोस्तों अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। ये सब संगत का असर होता है। हाँ ये होता है वैसे। अरे तू हमारे तो छोड़ यार, आजकल के बच्चे सो गाइस गेट रेडी विद मी फॉर स्कूल सारे सब छोड़ दो, सब वीडियो बनाने लगे आजकल ना, ये नहीं रहेगा कि यूट्यूबर कौन है क्रिएटर को, आजकल सब क्रिएटर है। आजकल क्रिएटर ज्यादा हो गए, कंज्यूमर कम हो गए, देखने वाले तो लोग ही नहीं है आजकल। पता है क्या टाइम, जैसे पहले तो कहते थे यार ये यूट्यूबर अच्छी चीज है या फिर देखते, अब ये हो गया कि सब यूट्यूबर है, अब ये हो गई कैटेगरी की बड़ा कौन है। हाँ कौन, वो फिर पता भी लग जाता है कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है, फेमस है ना। हमारे अंदर बस एक प्रॉब्लम है, हम थोड़े मैं मतलब मेरे अंदर ठीक है कि मैं थोड़ा शर्मा शर्मी में रह जाता, मैं ज्यादा वो नहीं कर सकता क्योंकि बचपन से काफी रिजर्व नेचर रहा है मेरा, तो इस वजह से मैं ज्यादा फेमस नहीं हो पाया। काश मैं ऐसा होता ना एकदम। और मैं आउटगोइंग हूँ बट है ना, मैं वो चीजें करने से पहले 10 बार सोचती हूँ और फिर बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होती कि बैक ऑफ द माइंड क्या। तो फिर वैसी हेट भी मिलती है उसको, जो हेट मिलती है ना वो नहीं चाहिए हमको। हम पॉजिटिव देख, एक्चुअली पता है हमारे ब्लॉग्स क्यों नहीं चलते, मैं बताती हूँ ये बात बिल्कुल सच है, हमारे ब्लॉग्स में पॉजिटिविटी होती है ये हमें खुद पता है, हम अपनी फैमिली दिखाते हैं। हमने आज तक कभी ऐसा क्लिक बेट नहीं करो, इसकी टांग टूट गई, इसके पैर फट गया, इसके सर फट गया, ऐसा क्लिक बेट नहीं, पल्लू नीचे हो गया। हाँ यार ऐसे क्लिक बेट हमने नहीं करे तो शायद हमारे ब्लॉग इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि लोगों को पॉजिटिविटी कम देखना पसंद है, उन्हें कॉन्ट्रोवर्सी देखना पसंद है, ये बात तो बिल्कुल कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। मैं अपना पल्लू नीचे करूं चलेगा? तेरा पल्लू चरका जाए रे बस तो फिर हो जाए। तो गाइस हम कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं बट हम कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव व्लॉग्स बनाकर ही आप लोगों को एंटरटेन करें। सो गाइस चिली पोटैटो दोस्तों, चिली पोटैटो आ गए हमारे, ट्राई करते हैं। हनी चिली थोड़ी बोला था, हनी चिली बना दी। हम घूम फिर के अपनी सोसाइटी में आ चुके हैं और मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा वीडियोस वगैरह बनाने का रीजन आप इसके व्लॉग में देख लेना क्यों मन नहीं कर रहा। और थोड़ी सी धूप बची है, आप लास्ट सनसेट की वीडियो बना लेते हैं इधर ही पार्क, ये जो अपने पेड़ लगा रखे हैं लोगों ने उन्हीं का फायदा उठाते हुए। देखो इसको मेरा काम बनाना, इसको नींद आ जाती है, बड़ी जल्दी नींद आ गई तुझे? जिम भी चलना है अभी, मैं भी चलूंगी अभी पूरी। सो गाइस बाहर तो कुछ शूट नहीं हो पाया और मैंने साड़ी के नीचे शॉर्ट्स पहनने की थी और मैं टी शर्ट ले गई थी तो मैंने बाहर ही चेंज कर दिया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर पिकासो अभियुक्त पेंटिंग कर रहा है, बहुत ही रेयर साइट है कि ये कुछ बुक्स या कुछ ड्राइंग बुक्स लेके बैठता है, तो आज अकेला आया हुआ है महाशय घर पे, इसकी पेंटिंग क्लास चल रही है। ये तू मुझे सिखा रहा है, मैं तुझे सिखा रही हूँ? आप मुझे सिखा रहे हैं? मैं आपको सिखा रही हूँ। वेरी गुड। फिर इसमें डाल के अब फल रहा है। अब दो मुझे दे। तो रही हूँ, कहाँ करेंगे येलो कलर? हाँ किसमें करेंगे, ड्रेस में
स्कर्ट पे, एक लड़की के ऊपर, इस लड़की के स्कर्ट में करते चलो। हाँ। अच्छे से लड़की के स्कर्ट पे ये कूल वाली ना। ऐसे मेरी माँ को भेज देना, मेरी माँ को भेज देना, सच्ची बोला तो झूठ बोला तो फिर तुमको मारूंगा। सियाराम 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 जय जय राम, सियाराम आने वाली है राम सियाराम सियाराम जय जय राम। अब कौन सा कलर इसके टी शर्ट में, कौन सा कलर करेंगे टी शर्ट पे? ब्लू। ब्लू नाइस चॉइस। दो है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं जाओ क्या अटक गई? कलर्स ना बहुत पुराने हो गए, अभी तो काफी टाइम से यूज नहीं करे ना मैंने। क्यों? क्योंकि मैं पेंटिंग कर नहीं कर पाती ना, अब पहले करती थी तो अब कर पाए, अब कर पा जा रही हूँ आपकी वजह से, आप आए हो इसलिए मैं पेंटिंग कर रही हूँ। पता है अब ये सूख गया, सूख गया जल्दी, सूख जाता है शर्ट में कपड़े बोलते कपड़े पर शर्ट ही तो है। चढ़ के ऐसे कर रहे हैं। हाँ शर्ट में करते चलो। शर्ट 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 बाहर नहीं निकालना है क्या? बाहर नहीं निकालना आउटलाइन से। ओके okay. तभी तो हम पतली वाली ब्रश यूज कर रहे हैं ना। पतली वाली और बहुत तेज वाले, बहुत तेज वाले वो उससे बाहर निकल जाता है पेंट। देखा अच्छा हो गया ना। चलो अब इसको क्लीन करते हैं इसके। हाँ हैंड्स पे कौन सा स्किन कलर होता है उस पे, तो वो तो बनाना पड़ेगा। एलिफेंट पे कौन सा कलर होगा बताओ? ग्रे कलर। वो भी बनाना पड़ेगा ब्लैक और व्हाइट को मिला के। सो फार इतना किया है, देखो एलिफेंट को पिंक पैंट बना दी, बनी को पिंक कलर के कपड़े पहना दिए, अभी फ्लावर्स में कलर डिसाइड नहीं कर रहा। बताओ पर्पल करेंगे किस में? फ्लावर में पर्पल करेंगे, तो ब्लू और रेड मिक्स करना है।